कर दोस्तों, स्वागत है आपका यूपीएससी अड्डा 247 पे। रिसेंटली एक न्यूज़ हमारे सामने आई है कि इसराइल जो है उसने अपना जो नया वेपन है, जो हथियार है जिसका नाम है आयरन बीम, उसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया है और ये काफ़ी ख़तरनाक वेपन बताया जा रहा है। इसकी चर्चा करना काफ़ी ज़रूरी है। इसके लिए आप यहाँ पर आर्टिकल भी देख सकते हैं, इसराइल क्रिएट्स वर्ल्ड फर्स्ट एनर्जी बेस्ड लेजर वेपन सिस्टम दैट डाउन्स फ्लाइंग ऑब्जेक्ट एट $3.5 पर शॉट, और काफ़ी सस्ता भी इसे माना जा रहा है। देखिए, इसराइल के पास में एक और तकनीक है जिसे बोला जाता है आयरन डोम, लेकिन ये उससे काफ़ी ज़्यादा अलग है। प्रणाली सेम है, लेकिन आयरन डोम जो है वो काफ़ी कॉस्टली रहता है, लेकिन आयरन बीम जो है ये काफ़ी सस्ता है वेपन और काफ़ी ख़तरनाक भी है। तो इस वीडियो में हम इसकी चर्चा करेंगे, आपको काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा। इसे प्रेजेंट करता हूँ मैं, मेरा नाम है सौरभ स्वामी। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ ज़रूर बताना चाहूँगा, यदि आपको यूपीएससी फाउंडेशन की पूरी तैयारी करनी है तो आप अड्डा 247 का ये जो यूपीएससी सीएससी जो महापैक है उसे आप ज़रूर ले सकते हैं। बायलैंग्वल ये कोर्स है जिसमें आपको लाइव क्लासेस, वीडियो कोर्स, टेस्ट सीरीज, ई बुक्स, पीडीएफ सब मिलती है और 12 महीने की पूरी वैलिडिटी के साथ में। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट कोर्स बनाया गया है, आप इसे आज ही एनरोल कीजिए। और यदि आपको इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप अड्डा 247 का जो मोबाइल एप्लीकेशन है उसके अंदर यूपीएससी वर्टिकल को सिलेक्ट करके जो इम्पोर्टेंट कोर्सेज और टेस्ट सीरीज अवेलेबल है उसे देख सकते हैं। साथ ही यदि आप प्रीलिम्स को लेकर कंफ्यूज हैं तो टारगेट 5 जून 2.0 जो बैच है उसे आप जरूर ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको पेपर फर्स्ट और पेपर सेकेंड दोनों की तैयारी करवाई जाएगी और इसमें भी ये सब चीज़ें अवेलेबल हैं। तो दोनों कोर्सेज की इन्फॉर्मेशन आप ज़रूर लीजिए, इसके साथ साथ प्रीलिम्स पर फोकस्ड जो टेस्ट सीरीज़ है और जो इम्पोर्टेंट कोर्सेज हैं वो भी लॉन्च हो चुके हैं, उनकी भी आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और यदि आप स्टेट पीसीएस को लेकर कंफ्यूज हैं, स्पेसिफिकली यूपी पीसीएस को लेकर, तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा ऑफर चल रहा है यूपी पीएससी का जो महापैक है उसको लेकर, तो आप इसे एनरोल कर सकते हैं। सब कुछ आपको मिलेगा केवल 1999 में। आपको सिर्फ एक कोड यूज़ करना है, फ्लैश। इस कोड को यूज़ करने के बाद आपको 2000 रुपये के अंदर बहुत सारी जो कंटेंट है, जो पीडीएफ है, जो वीडियो लेक्चर्स है, लाइव क्लासेस हैं, सब कुछ मिलेगा। और ये बहुत अच्छा ऑफर चल रहा है स्टेट पीसीएस को लेकर। संकल्प 4.0 जो बैच है वो भी चालू हो चुका है और उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए काफ़ी इंपॉर्टेंट जो कोर्सेज हैं वो अवेलेबल है अड्डा 247 के एप्लीकेशन के ऊपर। तो आप उनकी जो इन्फॉर्मेशन है वो ज़रूर एक बार जाके देखिए। अब हम आते हैं न्यूज़ के ऊपर। देखिए, न्यूज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आयरन डोम से लेकर घातक ड्रोन बनाने वाला जो इसराइल है उसने दुनिया में पहली बार लेज़र मिसाइल डिफेंस सिस्टम का सफल परीक्षण किया है। इस मिसाइल रक्षा प्रणाली ने एक ही हमले में मोर्टार, रॉकेट और टैंक रोधी जो मिसाइलें हैं उनको नष्ट कर दिया है, इसलिए इसे काफ़ी घातक जो ख़तरनाक है हथियार माना जा रहा है। और साथ ही इसराइल के जो प्रधानमंत्री हैं नफ्ताली बेनेट, उन्होंने ये भी कहा है कि इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि एक युद्ध की कीमत मात्र, इसमें जो एक शॉट है उसकी कीमत यदि हम इंडियन रुपीज़ में बात करें तो वो 267 रुपये होगी, मतलब $3.5 होगी, जो काफ़ी सस्ता हथियार आप मान सकते हैं। उन्होंने कहा है कि यह आपकी कल्पना की तरह ही लगता है लेकिन यह हकीकत बन गया है, क्योंकि ऐसा पॉसिबल होता नहीं है। जनरली जब डिफेंस वेपन बनाए जाते हैं तो वो काफ़ी कॉस्टली पड़ते हैं, लेकिन इसराइल ने जो ये करिश्मा कर दिखाया है ये वास्तव में काफ़ी बड़ी बात है अपने आप में। और यहाँ पर आप इनका ट्वीट भी देख सकते हैं, इसराइल हैज़ सक्सेसफुली टेस्टेड द न्यू आयरन बीम लेज़र इंटरसेप्शन सिस्टम। दिस इज़ द वर्ल्ड्स फर्स्ट एनर्जी बेस्ड वेपन सिस्टम दैट यूज्ड ए लेज़र टू शॉट डाउन इनकमिंग यूवेज, रॉकेट, मोटार्स एट द कॉस्ट ऑफ $3.50 per shot. तो ये काफ़ी बड़ी बात है अपने आप में और इसराइल ने ये कर दिखाया है। और देखिए, ये चीज़ें भी हमें माननी होगी कि इसराइल का जो डिफेंस सिस्टम है वो और देशों की तुलना में काफ़ी ज़्यादा मजबूत है। तो इसराइल का जो एक्सपेरिमेंट है ये कहीं ना कहीं वर्ल्ड के लिए सीख भी देता है और इसराइल से ही प्रेरित होकर बहुत से जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है वो इस तरह के जो डिफेंस इक्विपमेंट हैं वो बनाते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको ज़रूर पता होनी चाहिए। देखिए, यहाँ पर इसराइल के जो डिफेंस मिनिस्ट्री है उन्होंने एक वीडियो भी जारी किया है और उसको सक्सेसफुली टेस्टेड होता हुआ दिखाया गया है। इसराइल जो है कई वर्षों से हमास के रॉकेट हमलों को रोकने के लिए अपनी अधिक से अधिक महंगी जो आयरन डोम प्रणाली है उसको यूज़ में लेता है। ये भी एक लेज़र प्रणाली है, लेकिन
आयरन डोम का जो अल्टरनेटिव है ये आयरन बीम वो साबित हो सकता है। तो ये सब चीज़ें प्रेजेंट टाइम पे आपको पता होनी चाहिए। और वैसे मैं आपको ये बात ज़रूर बताना चाहूँगा कि ये काफ़ी बड़ी बात है अपने आप में। यदि कोई डिफेंस इक्विपमेंट इतना सस्ता इतना कम कॉस्ट पे बनाया जाता है तो पर्टिकुलर देश के लिए ये काफ़ी बड़ी बात होगी। यदि इसराइल ये सिस्टम किसी और देश को भी देगा तो भी उसे इकोनॉमिकली काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। और देखिए, आयरन डोम की जगह लेने वाले इस आयरन बीम डिफेंस सिस्टम को देश के एयर डिफेंस शील्ड को मजबूत करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इस लेज़र हथियार के प्रभाव के बारे में दुनिया को बहुत कम इसराइल ने बहुत कम जो है दुनिया को जानकारी दी है। ऐसा माना जा रहा है कि इस लेज़र हथियार को ज़मीन हवा समुद्र में तैनात किया जा सकता है, जैसा कि डिफेंस मिनिस्ट्री की जो रिपोर्ट है उसमें कहा भी गया है। तो इसे कहीं भी तैनात किया जा सकता है, ये लैंड में एयर में सी में कहीं भी डिप्लॉय हो सकता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट आप मान सकते हैं। देखिए, इसराइल का जो लक्ष्य है वो देश को हवाई हमलों से बचाने के लिए अगले दशक में इसराइल की जो बॉर्डर है उस पर लेज़र हथियार को तैनात करना है। माना जा रहा है कि गुरुवार को की गई इस घोषणा के जरिए इसराइल ने अपने कट्टर प्रतिद्वंदी जैसे ईरान हमास जैसे अन्य दुश्मन देशों को बहुत बड़ा एक संदेश दिया है। और इसराइल का ये कहना है कि उसका आयरन डोम सिस्टम बहुत सफल रहा है और उसने 90% रॉकेट हमलों को नष्ट किया है। हालांकि अधिकारियों का ये कहना है कि इस ये जो सिस्टम है पर्टिकुलरली जो आयरन डोम सिस्टम है ये काफ़ी ज़्यादा महंगा है, कॉस्टली पड़ता है ये इसराइल के ऊपर, तो इनको अल्टरनेटिव की ज़रूरत थी। और प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट ने ये कहा है कि गाज़ा से केवल कुछ डॉलर के रॉकेट दागे जा सकते हैं और आयरन डोम से इसे नष्ट करने में हमें हज़ारों डॉलर खर्च करने पड़ते हैं। और इसराइल की जो डिफेंस मिनिस्ट्री है, इसराइल का जो रक्षा मंत्रालय है, इन्होंने एक वीडियो जारी करके ये दिखाया है कि किस तरह से ये जो आयरन बीम है ये प्रोटेक्ट करता है और मोर्टार रॉकेट ड्रोन को सफलतापूर्वक नष्ट कर देता है आसमान के अंदर ही। अब देखिए, आयरन डोम जो प्रणाली है उसे आप थोड़ा सा यहाँ पर समझ सकते हैं। मान लीजिए गाजा से जो रॉकेट है वो इसराइल की तरफ आते हैं, तो यहाँ पर ये जो आयरन डोम की जो तकनीक है, जो रडार सिस्टम है, ये डिटेक्ट कर लेगा और यहाँ पर ये जो फायर होगा रॉकेट वो इसे जो पर्टिकुलर गाजा से आया हुआ रॉकेट है उसे आसमान के अंदर ही नष्ट कर देता है। इस वजह से ये जो पूरा इसराइल का जो पर्टिकुलर एरिया है ये सेफ हो जाता है। तो इस वजह से आयरन डोम काफ़ी अच्छी प्रणाली है। अब इसका अल्टरनेटिव इसराइल ने ले लिया है और वो है आयरन बीम। और इससे पहले जो पीएम है वहाँ के, उन्होंने ये भी कहा था कि इसराइल एक साल के भीतर इस हथियार का इस्तेमाल शुरू कर देगा। और इसराइल ने पहले ही लंबी दूरी की मिसाइलों से लेकर रॉकेट तक सब कुछ नष्ट करने के लिए कई तरह के सिस्टम जो है वो डेवलप कर लिए हैं। और इतना ही नहीं, इसराइल ने अपने टैंकों को मिसाइल डिफेंस सिस्टम से भी लैस कर लिया है। ईरान का जो परमाणु एग्रीमेंट है उसको लेकर इन दिनों इसराइल की जो तनातनी है वो अपने पड़ोसी देशों से, जो इसराइल के विरोधी देश हैं, उनसे काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। तो ऐसे में इसराइल को ज़रूरत थी कि वह अपनी डिफेंस जो सिस्टम है, स्पेसिफिकली यदि कोई दूसरे देश से रॉकेट आता है तो उसे उड़ा सके, इस तरह की तकनीक इसराइल के पास हो और कम कॉस्टली हो, मतलब कम खर्चीली हो। तो इस वजह से ये जो आयरन बीम है ये एक गेम चेंजर जो है इसराइल के लिए साबित हो सकता है। तो खैर, ये था इस वीडियो में, आपको ज़रूर कुछ नया जानने को मिला होगा। इसी तरह के इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ हम मिलते रहेंगे। धन्यवाद।